सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो कि राजधानी को शर्मसार तो कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी ऐसे शर्मनाक कृत्य के लिए अपने देश का मखौल उड़ाया जा रहा है। तेज बारिश से हुए जलभराव के कारण बुधवार को होटल ताज के निकट सौदों के हुड़दंग और उनके द्वारा रास्ते से गुजर रहे युवक और युवती के साथ की गई शर्मनाक हरकत व कार का गेट खोलकर हाथों से पानी को उछालकर कार में भरने जैसी आपराधिक प्रवृत्ति के हुड़दंगों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर करीब 16 हुड़दंगियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। लापरवाही की वजह से जो घटना हुई है उस पर इंस्पेक्टर गोमती नगर दीपक कुमार पांडे, अम्बेडकर पार्क चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक, दरोगा कपिल कुमार समेत सभी 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गुरुवार को शासन ने सख्त कदम उठाया और डीसीपी पूर्वी प्रवल प्रताप सिंह, एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत, एसीपी गोमती नगर अंशु जैन को उनके पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी ने गुरुवार को इस मुद्दे को विधानमंडल के मानसून सत्र में भी उठाया और विपक्ष को घेरते हुए हुड़दंगियों के नाम भी गिनाए। देखिए, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं। पहले सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हुड़दंगी कहां से आई इसकी पुलिस को खबर तक नहीं। जिस जगह पर युवती और राहगीरों के साथ बदसलूकी की गई, जहां युवती की टी शर्ट पकड़कर पानी में गिराकर कीचड़ फेंका गया, वहां से चंद कदम की दूरी पर अंबेडकर उद्यान चौकी है। अब सवाल यह उठता है कि करीब आधा घंटे के करीब चले इस हुड़दंग की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई, तब तक माहौल खराब हो चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई कार्रवाई न्याय में थी, देश की बेटियों के हित में थी। हालांकि इस शर्मनाक हरकत से पूरी राजधानी दहशत में तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा घटना के बाद जो सख्ती बरती जा रही है, यदि वो पहले से ही सतर्क रहते तो हो सकता था कि ऐसी घटना के न होने की संभावनाएं प्रबल थी। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।